शब मेराज की रात सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अजायबात देखे इनमें एक ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फरिश्ता देखा, इसके पर जले हुए थे। ये देखकर फरमाया, जिब्राइल, इस फरिश्ते को क्या हुआ है? अर्ज की, या रसूलल्लाह, फरिश्ते को अल्लाह ताला ने एक शहर तबाह करने के लिए भेजा था। इसने वहाँ शेर ख्वार बच्चे को देखा और इसको रहम आ गया और ये वापस आ गया। ये सुनकर हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल, क्या इसकी तौबा कबूल हो सकती है? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुरान पाक में मौजूद है, यानी जो तौबा मांगे मैं इसे बख्श दूंगा। ये सुनकर सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरबारे अल्लाह में अर्ज की, या अल्लाह, इस पर रहम फरमा, इसकी तौबा कबूल फरमा। अल्लाह ताला ने अर्ज फरमाया, इसकी तौबा ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 10 बार दुरूद पाक पढ़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फरिश्ते को हुक्म सुनाया तो इसने 10 बार दुरूद पाक पढ़ा। अल्लाह ताला ने इसको बाल और पर अता फरमाए और वो ऊपर उड़ने लगा और मलाइका में शोर मचाने लगा कि अल्लाह ताला